اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم। मैं सबसे पहले इलाकाई मोहल्ले का शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने मुझे ग्रीन बेल्ट की याद दिलानी दिलाई और इस पर हमने वर्क किया और इंशाल्लाह ताला इसी तरीके से हमारे और भी बहुत से नेक मिशन हैं। अल्लाह पाक इस इदारे के हमारे इदारे की मदद करे, हमारी मदद करे और इसी तरीके से जिनके जो काम है वो ईमानदारी के साथ अपने कामों को सर अंजाम दे। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। जैसा कि आप जानते हैं कि सईदाबाद UC 30 में हासोटी फाउंडेशन की जानिब से हमारे तलार सईद भाई जो चेयरमैन हैं उनकी काविशों से और गरीब और नादान बच्चों के लिए एक तालीमी इदारा कायम किया है जिसमें किताबें कापियाँ और कोर्स वगैरह यूनिफाम वगैरह मुफ्त दिया जाता है, गरीब बच्चों की मदद की जा रही है। और इसी तरीके से आज इन्होंने एक नया बेड़ा उठाया है हमारे सईदाबाद UC 30 में। जितने भी ग्रीन बेल्ट है वो बिल्कुल सूख रहे थे, बर्बाद हो रहे थे, जिस पर हुकूमत पाकिस्तान और सिंध गवर्नमेंट के लाखों रुपए लगे हुए हैं, वो सूख कर बेहाल हो रहे थे। आज से इन्होंने एक नया बेड़ा उठाया है और इनको पानी का छिड़काव किया जा रहा है और पानी पिलाया जा रहा है। हालांकि ये काम महकमा बागात का था, लेकिन महकमा बागात को भी सोचना चाहिए कि ऐसी NGOs और ऐसे नौजवानों को हौसला अफजाई करे और उनकी दिल आज़ारी से बचा जाए वो, और वो बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले और इलाके के अंदर जितने भी तरक्याती काम है और सोशल वेलफेयर है उसके अंदर बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले। तो हम तलार सईद भाई जो चेयरमैन है हासोटी फाउंडेशन के, उनका हम तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं जिन्होंने ये बेड़ा उठाया। हम अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। हम तलार सईद शेख भाई का बहुत दिल से शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने इस तरह ये बेड़ा उठाया और इलाके में जितने भी दरख्त लगे हुए उनको पानी देने का। इंशाल्लाह आज जो हमने काम किया इस तरह हम आइंदा भी काम करते रहेंगे। और मेरी एक रिक्वेस्ट है, जितने भी मुखैर हजरात हैं वो हमारे दोस्त तलार शेख सईद भाई का मदद करें ताकि उनके साथ जो भी परेशानी हो, जो भी हो, वो हल हो जाए। और इंशाल्लाह हम लगे रहेंगे और आगे भी जो भी काम होगा हम अपने दिल से करते रहेंगे।